मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लकी रंगुराई फ्रॉम एलआरजी टेक्निकल। आज मैं आप लोग का साथ एक नया विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। यह विषय बहुत इंटरेस्टेड भी है, साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है, जितना भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का मशीनरी है उसी के लिए। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक है हाइड्रोलिक टैंक। हाइड्रोलिक टैंक कितना प्रकार होता है और इसका एडवांटेज क्या है और इसमें क्या कौन सा पार्ट्स लगा रहता है, उसमें कौन सा क्या चीज है, मैं सारी चीजें वीडियो का दौरान आप लोग को बताऊंगा। ज्यादा करके ये वीडियो के 770 मशीन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये अपने केस का 770 मशीन है, है? और ये अपने एक काज आपको बताना चाहूंगा मैं, ये हाइड्रोलिक टैंक, ये हाइड्रोलिक टैंक है ये मशीन का। और ये अपना जो है टैंक का ब्रेदर, ये प्रेशराइज टैंक है। अपन प्रेशराइज टैंक कैसे पता करेगा, ये ब्रेदर का माध्यम से, क्योंकि अभी नॉन प्रेशर टैंक में भी, नॉन प्रेशराइज टैंक में भी ब्रेदर रहता है, बट इसमें क्या है, एक ब्रेदर के अंदर रिलीफ वाल्व लगा रहता है। ये प्रेशर खुलूंगा तो क्या हो गया आपका, ये एयर निकलेगा, आपको प्रेशराइज निकलेगा, प्रेशर जो है वो रिलीज होगा। और मैं बता रहा हूँ इसीलिए आपका इसको प्रेशराइज टैंक बोलता है। दूसरा बात, ये आपका हाइड्रोलिक फिल्टर चोक इंडिकेटर है। ये इसमें क्या होता है, अगर आपका हाइड्रोलिक फिल्टर चोक हो गया है तो ये जो सेंसर है, ये सेंसर क्या करेगा, वहाँ पे शो करके आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे लाइट दिखाएगा, ताकि विदाउट फिल्टर खुल के अपन को पता कर सकते हैं जो हाइड्रोलिक फिल्टर आपका अंदर चोक हुआ ना नहीं हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोलिक फिल्टर है, ये रिटर्न लाइन में फिल्टर है। सारी मशीन के काम करते हुए फिल्टर में, फिल्टर होके अंदर टैंक में जाता है। दूसरा बात, ये अपना हाइड्रोलिक टैंक का ऑयल इंडिकेटर ए है। ये अपने को लेवल चेक करने का इंडिकेटर है। मशीन का पोजीशन अच्छे से रख के, दैट मीन्स आपका ट्रांसपोर्ट पोजीशन में रख के, बूम आम बाकेट को मोड़ के वन तरफ स्विंग करके, लोडर को एक फीट ऊपर करके आपको ऑयल लेवल देखना है। ये दोनों का बीच में आपको ऑयल लेवल आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया इतना तो अपन समझ जाएगा ऑयल लेवल ठीक है। ड्रेन प्लग है, क्योंकि अपन ड्रेन करते जब भी जो ड्रेन करना है, ये ड्रेन प्लग है, ध्यान देना जरूरी है। ये 17 नंबर का एलेंकी रहता है, 17 mm का एलेंकी, 17 mm का एलेंकी खुल के ही कभी ड्रेन करना है।